हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्षास किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पनीर भुर्जी, वो बहुत ही जल्दी बनेगी, तो चलिए शुरू करते हैं। पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम पनीर, 2 बड़े प्याज जिसे मैंने काट लिया है, 3 टमाटर इनको भी मैंने छोटा छोटा काट लिया है, 1 चम्मच अदरक है फंसा हुआ, 1 हरी मिर्ची, गार्निशिंग के लिए हरा धनिया। मसालों में मैंने लिया है आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा नमक या आप स्वाद के अनुसार ले सकते हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर, थोड़ी सी हींग ली है। सबसे पहले हम पनीर को ग्रेट कर लेंगे। पनीर हमारा ग्रेट हो चुका है, आइए हम शुरू करते हैं भुर्जी बनाना। गैस ऑन कर देते हैं। कढ़ाई में हम एक डालेंगे, तेल को हम गरम होने देते हैं। तेल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसमें जीरा डालेंगे, हींग डालेंगे, अदरक डालेंगे, हरी मिर्च, देखिए अदरक हमारा हो चुका है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे, इसको लाइट ब्राउन होने तक भूनेंगे। प्याज को हमें 1-1.5 मिनट तक भूनना है। प्याज हमारा भून चुका है, अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, लाल मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिया, नमक, गरम मसाला, इनको अच्छे से भून लेंगे। मसाला हमारा भून चुका है, अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे, इनको भी अच्छे से 2 मिनट तक भूनते हैं। इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड कर देते हैं, जिससे हमारे टमाटर थोड़े मुलायम हो जाएंगे। मसाला हमारा भून चुका है, टमाटर भी थोड़े मुलायम हो गए हैं, अब हम इसमें पनीर डाल देंगे। गैस स्लो कर लेंगे और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और 1 मिनट तक इसको ढक के पकाएंगे। एक मिनट हमारा हो चुका है और पनीर भुर्जी भी हमारी तैयार है। इसमें हम हरा धनिया मिला देते हैं। पनीर भुर्जी बनके तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे आप दिल खोलकर शेयर करें, लाइक का बटन जरूर दबाएं। अगर आप मेरी वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।